Behind closed doors, I'm a fool for your love. सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी अभी उठी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने अपना बेड ठीक कर लिया है। अब मैं किचन में हूँ तो सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। मैं सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ, उसमें मैं हनी डालती हूँ और नींबू डालती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है। इस सुबह सुबह इसको पीने से आपका फैट जो है वो बर्न होता है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट मॉर्निंग ड्रिंक है। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ कि सबसे बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक है तो इट इज़ हॉट वाटर विथ लेमन एंड हनी। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ दौड़ने के लिए, जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे मैं धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि घर में सब सोए हुए हैं, सिर्फ मैं ही अकेली जागी हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। अभी बाहर देखते हैं तो बाहर पूरा अंधेरा है, अंधेरा है, देख सकते हैं। अभी 6:20 हो रहा है और पूरा अंधेरा है, तो अभी सब सोए हुए हैं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अब मैं शूज़ पहनूंगी और दौड़ने जाऊंगी। तो चलो, तो सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ। बहुत ही अंधेरा है, कुछ दिख पे नहीं रहा है, बस लाइट है हमारे सोसाइटी में, और सोसाइटी में कोई भी जागा हुआ नहीं है, सब सो रहे हैं। इसलिए मैं चुपचाप से यहाँ से निकल जाती हूँ और बस पीछे ही मैं जाती हूँ। तो 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाती हूँ दौड़ने के लिए। तो 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी जहाँ पे मैं रनिंग करने जाती हूँ। तो ये लाइट आ रहा है मेरे मुँह पे। तो ये एक छोटा सा और प्यारा सा गांव है, बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे मैं आती हूँ रनिंग करने। और ये जो है यही सड़क पे रनिंग करूँगी, मतलब बहुत लंबी है ये। तो खैर आपको दिखाऊँगी मैं, सबसे पहले स्ट्रेचिंग हो जाए पाँव की। बिना स्ट्रेचिंग तो कभी भी रनिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, कभी नहीं। और अभी हम 20 मिनट्स रनिंग करेंगे, उसके बाद ही रुकेंगे। यहाँ आके तो मेरे को ऐसा लगता है मैं गांव में आ गई हूँ, मतलब गांव की फीलिंग देता है। इट इज सो ब्यूटीफुल, मतलब इतना सुंदर है, आंखों को भा जाती है यहाँ की खूबसूरती। चलो, तो रनिंग करते हुए मुझे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बाद हम रुकेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे साथ कोई है नहीं, तो वट एवर एक्सरसाइजेज आई डू आई कैन नॉट शो इट ऑन द कैमरा, सो आई विल शो यू ऑन सम नेक्स्ट वीडियो। तो मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट घर जाऊँगी और फटाफट कॉलेज के लिए रेडी होंगी। तो चलें कॉलेज, चलो। तो ये वही गांव है जहाँ मैं सुबह आती हूँ, बट अंधेरे में मैं आपको दिखाई नहीं पाई थी। तो अभी तो यहाँ पे सपना भी बैठी हुई है। तो मैं घर पहुंच गई हूँ, तो देखते हैं घर में लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये रेडी होके बैठी है कॉलेज जाने के लिए। मम्मी मम्मी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पानी भर रहे हैं। जिया क्या कर रही है? मैं पानी भर रही हूँ। नाश्ता बन गया? नहीं। हाँ। तो अभी मैं पार्शली रेडी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी। ये मेरी हेयर डिजाइनर, तो जिया अभी मेरा बाल बनाएगी, उससे पहले मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो नाश्ते में आज है दाल के पराठे और खीर, लेकिन ऐसे रोज यूजुअली ये नहीं होता है नाश्ते में। यूजुअली मैं 2 रोटी और सब्जी ही खाती हूँ, बट आज मम्मी ने दाल पूड़ी बनाई है तो मैं दाल पूड़ी और खीर खा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं कॉलेज जाने के लिए फुल टू रेडी हूँ। ओके, सो दिस इज माय अटायर, शूज पहनने बाकी है। तो अब मेरी फ्रेंड ट्विंकल मेरे को लेने आएगी,
चलो कॉलेज चलते हैं। तो मैं निकल गई हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं भूतनी बन चुकी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ, आएगी वो लेने मेरे को, देखते हैं कब तक आ जाती है। तो ये आ गई मेरे को लेने, मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। हाँ, तो हमारी सवारी निकल चुकी है। हाँ, बस है बहुत सारी। और ये हमारा पार्किंग लॉट, यहीं पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। सब आ रहे ना, मोटर को खोल देते हैं। तो हम अपने पार्किंग लॉट में हैं और हम अभी गाड़ी पार्क करके सीधा एंट्रेंस गेट से अंदर। चलो भाई चले अंदर कि नहीं जाना है? वेर इज योर मास्क? ओ मैंने भी नहीं पहना है, चलो मास्क पहन लूँ। यू आर कैप्चर्ड। अभी मेरे 3 लेक्चर ख़त्म हुए हैं, अब मैं नीचे जा रही हूँ रिसेस करने के लिए फॉर लंच। यस, वेट करना पड़ेगा ट्विंकल का, उसके बाद हम लंच लेंगे। तो बनाना ही मत, ठीक है? नाश्ता है, ये है दाल पूड़ी। जोर से बोल। और ये तो कॉलेज की छुट्टी हो गई है और हम जा रहे हैं बाहर आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग फॉर दिस गर्ल। 3:30 को छुट्टी होती है और ये 3:50 को निकल रही है। चलो एट लास्ट हम घर तो जा रहे हैं। सुरंग सी बाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। जब मैं अपने कॉलेज से आ रही थी तो मैंने ये देखा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो में डालने जैसा है, तो सब व्यूअर के लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली डाला है। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुन बोका मुंटा रे। तो अभी अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे गए हैं, आई एम फ्री नाउ। तो ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, तो मैं एक्सरसाइज तो छत पे ही करती हूँ। शाम को यूजुअली छत पे ही एक्सरसाइज करती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ बाहर और शाम को छत पे एक्सरसाइज करती हूँ। तो
थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखाऊंगी, अब मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, इसीलिए मैं स्टैंड लगा के जितना आएगा उतना मैं दिखा सकती हूँ आपको कि कितना एक्सरसाइज मैं करती हूँ। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आपको मैं पूरे दिन में क्या करती हूँ, तो इसमें मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं अपना एक्सरसाइज खत्म करती हूँ, फिर आपको मैं मिलती हूँ। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, 6:45 हो गए हैं। अब मैं 15 मिनट का रेस्ट लूंगी, उसके बाद 7 to 7:30 मेरे को डांस प्रैक्टिस करना होता है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो 7:02 है, मैंने खा पी लिया है। 7 बजे से पहले मेरा सारा खाना पीना खत्म हो जाता है, 7 बजे से पहले सब कुछ खत्म कर लेती हूँ खा पी के। अब मैं डांस करूंगी 7 to 7:30। तो जिन भी लोगों को लगता है कि मैं पूरे दिन रील्स बनाते रहती हूँ, तो वो लोग सुन लें कि मैं सिर्फ जब फ्री होती हूँ यानी कि संडे को तभी रील बनाती हूँ, और हर दिन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो करना ही चाहिए। कोई भी चीज़ को आप अगर लेके चलते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगर आप उसको छोड़ देंगे कि नहीं हम 2 दिन पहले डांस कर लेंगे, तो उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। एवरीडे यू हैव टू डू समथिंग, अ लिटल बिट ऑफ योर डांस, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा तो हर दिन करना ही चाहिए। चलो, तो अभी मेरा डांस का टाइम हो गया है, तो 7 to 7:30 मैं अपना डांस करूँगी। तो मेरा डांसिंग खत्म हो गया है, अब 7:30 से लेके 2 hours, 7:30 to 9:30 मेरे को पढ़ना होता है। मेरा MBA का जो भी है वो पढ़ाई करना होता है, जो भी अपडेट है आज का वो लेना होता है, क्या करना है कल क्या करना है वो सब प्लानिंग करनी होती है। 2 घंटे मैं अपने ऊपर पूरा खर्च करती हूँ, सेल्फ अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं अपना 2 घंटे यूज करती हूँ। तो 2 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी कि सोने से पहले मैं क्या करती हूँ। तो अब 9:30 बज चुके हैं और मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ विथ माई एवरीथिंग। तो अब मैं नाइट डिटॉक्स ड्रिंक लूंगी, जिसमें कि मैं सिर्फ गर्म पानी, वार्म वाटर और उसमें लेमन मतलब नींबू, गर्म पानी और नींबू के साथ मैं डिटॉक्स ड्रिंक बना के रात को पीती हूँ। और 10 बजे से पहले मैं सोने का ट्राई करती हूँ, बट 10:30 हो ही जाता है, 10:30 को मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है इसीलिए। तो ये मेरा पूरा जो है आज का दिन मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो मैं नेक्स्ट व्लॉग, अगर ये व्लॉग सक्सेस जाएगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या हो सकता है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक चीज है कि अगर आप बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो ये सब एक बहाना है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू। तो ये कि मैं अभी चाहती हूँ बट नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं, ये सब बहाना है, ये सब मत कीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं करना तो उसके लिए टाइम निकालो यार, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, 24 घंटे में से 10-15 मिनट तो उस चीज के लिए निकाल ही सकते हैं। तो लोग जो मुझे बोलते रहते हैं कि तू पूरे दिन रील्स बनाती रहती है, तो ऐसा नहीं है, हर दिन मैं उस चीज को आधे घंटे देती हूँ। तो उसीलिए मेरे हर संडे जब मैं फ्री होती हूँ तो एक साथ बना लेती हूँ सारे रील्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन आधा घंटा रील्स ही बनाती हूँ, मैं सिर्फ उसका प्रैक्टिस करती हूँ, देन इट जब उसका टाइम आता है तो मैं बना लेती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक MBA स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। जो एज गांधी जी सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, अगर आपको कुछ चेंज करना है वर्ल्ड में तो उसके लिए पहले आपको खुद को चेंज होना पड़ेगा। तो वही कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बहन है वो भी अच्छा टाइम मैनेजमेंट करे, तो पहले मैं उनको दिखाऊंगी कि किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है, समय का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ही वो लोग भी करेंगे। ऐसे करते ही है मेरी तो दोनों बहनें, उनके मेरे दोनों बहनें तो इतनी अच्छी है ही नहीं, इतनी अच्छी नहीं है। चलो तो फिर
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि अच्छा है, या जो भी है आपके दिल में जो आता है वो लिख दीजिए। मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे हर कमेंट से सीखने मिलता है कि मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिसको भी आपको लगता है कि ये टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए, या अगर मेरे लाइफ के बारे में किसी और को जानना है तो आप सब्सक्राइब को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। मेरे लिए तो रात हो गई है तो गुड नाइट, बाय बाय। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, और बाजू में सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज दबाए बिना हमारे चैनल से मत जाइए, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मेरे वीडियोस एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।